से आज तक 24/7 की ये सम्मान दर्शन देवी मिल रही। मैं इस समय खड़ा हूँ शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर जो मुरार क्षेत्र का जिला ग्वालियर। आप देख सकते हैं कि मैं इस विद्यालय के परिसर में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ बच्चे भी मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्योंकि लंच खत्म है इनका। और मुझे जो शिकायत यहाँ लगातार मिल रही थी, तो मुझे शिकायत ये है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक कक्षाओं की व्यवस्था की गई है और यहाँ बच्चों के पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होने के बावजूद यहाँ इन ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप यहाँ क्या हैं? मैं सहायक शिक्षक हूँ, प्रभारी प्राथमिक। अच्छा, तो सर जैसा मुझे ये सुनने में आ रहा है, मुझे लगातार शिकायतें आ रही हैं कि साहब बच्चों के पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जैसे गर्मी शुरू हो गई है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब वो तो इस परिस्थिति के अनुसार अपने बच्चे पढ़ते हैं, नहीं है तो उसका तो इसके लिए कहाँ कमी आ रही है? आप लोगों ने मतलब अधिकारियों को सूचना दी? अधिकारियों को सबको सूचना दे, फाइल बनी हुई रखी है। अब उसका क्या वो निराकरण कर रही है हमको पता नहीं है। कितने सालों से फाइल बनी रखी है? करीब 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। मुझे तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग काफ़ी समय से मतलब लाइट की व्यवस्था नहीं है। अब तो है ही नहीं, तो ऐसे ही स्कूल चल रहा है काफ़ी समय से? हाँ, काफ़ी समय से चल रहा है। वो तो वो स्वतंत्रता से पहले का स्कूल है, 1950 उससे पहले का है। और मंदिर में लगता, फिर बाद में एक बार बिल्डिंग बन गई, वो भी टूट गई, दूसरी की बिल्डिंग बन गई, परंतु आज तक लाइट की व्यवस्था नहीं। पहले तो कुआ था, उससे पानी पीते थे, तब खराब हो गया कुआ। इसके अलावा मतलब जैसे अब क्या है, बच्चों के लिए अब गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में लाइट की व्यवस्था आप लोग कहीं से कर नहीं पाते? नहीं कर पाते, चोरी कम करने आएंगे मंदिर में, वो कैसे कर रहे हैं वो तो। अच्छा, शिक्षकों की कैसी क्या व्यवस्था? शिक्षक तो खूब है। अच्छा, और कमरों की कमरे नहीं, जगह नहीं हमारे पास। तो 12वीं तक का विद्यालय कैसे लगता है? दो शिफ्ट में लगता है। सुबह कक्षा 1 से 5 8वीं तक लगता है और कक्षा 9 से 12वीं तक लगता है, 12 बजे से लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय में 2 शिफ्ट लगती हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे सुबह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 9 से लेकर 12 तक के बच्चे दोपहर में 12 बजे से पढ़ते हैं। और 12 बजे के बाद जब गर्मी तेज़ हो जाती होगी उस समय बच्चे कैसे स्कूल में बैठ पाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है? किन परिस्थितियों में स्कूल चल रहा है आप अंदाज़ लगा सकते हैं? एक बहुत अच्छी बड़ी संख्या मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, साहब कुछ संख्या के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, बच्चों में तो काफ़ी संख्या में है, कक्षा 1